कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 18 से 20 हजार मानदेय किया जाए, नहीं तो हम योगी जी मोदी जी की सरकार ही बदल लेंगे। किसी सरकार, क्योंकि दो सरकार को लेना तीसरी सरकार की बारी है। अगर मेरी आशा बहनों का दिल में दर्द बहुत है, तो क्या अपने जान जोखिम में डाल कर आशाओं का दर्द को समझती है? अगर आज इसे मन के माध्यम से जवाब दे सकते हैं उसको भी की महामारी का जो शिकार हुई है सरकार की तरफ से उनको कुछ दिया गया? जो आज का प्रदर्शन चल रहा है मीरा सिंह को इन्होंने यहाँ तक आने तक नहीं दिया। हमें योगी जी से कोई उतनी लड़ाई नहीं है, ठीक है। योगी जी बस हमारी बात को मान ले, हमारे दर्द को समझे। हम दूर दूर से भटकते हुए आए हैं, रात को दिन नहीं समझते, दिन को रात नहीं समझते। हमारी आशाएं बहनें काम करती हैं, हमें उनसे कोई वो नहीं है कि वो हमें निराश करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी बात को वो जरूर समझेंगे, जरूर सुनेंगे और रखेंगे। अगर वो इंसान है तो जरूर सोचेंगे, एक मिनट के लिए रख के देखेंगे अपनी जगह पे कि हम कैसे काम करते हैं। तो हम बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, चाहे पाथर पड़े चाहे बारिश पड़े, लेकिन हमें डिलीवरी करवाने जाना है तो जाना है, चाहे हम खाना खाएं चाहे आगे की थाली फेंक के जाएं। सारी दिन मेरे यहाँ कोई मेरे उसका समय का निर्धारित नहीं है, 24 घंटा मैंने काम करती हूँ। हमारा पेमेंट आजकल 5,000 में हमारे बच्चों खाएंगे, 6,000 बच्चे हमारे खाएंगे, 2,000 आशाओं का ही पेमेंट है। उसके बाद नंदनी का थोड़ा 6,500 रुपया में कोई खाएगा नहीं। लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, लिमरा न्यूज देख रहे हैं आप। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर आशा संगनी की कर्मचारी भारी संख्या में 75 जिलों से यहां पे कर्मचारी आए हुए हैं। ये अपनी मांगों को लेकर यहां पे डटे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि 75 जिलों से कर्मचारी यहां पर सब कामकाज छोड़ के देख सकते हैं कि भारी संख्या में वहां से लेकर जहां तक हमारी नजर जाएगी वहां तक। जी, जी बताइए। कमीशन को बंद करें। देह के लिए आए, दिन रात मेहनत करके हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरों से भी व्यस्त है, तो हम लोग भी जाए कम से कम 18,000 मानदेय बढ़ाया जाए। जितना भी वर्क होता है आशाएं अपनी जान जोखिम में रख करके स्वास्थ्य विभाग का सारा काम देखती हैं। अभी कोरोना काल में हम लोग अपने बीवी बच्चों का और हस्बैंड का फैमिली वालों को कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग अपनी अपनी जान जोखिम में रख करके और पूरे एरिया में सर्वे किए हैं, बहुत सी आशाएं बहन हमारी खत्म भी हो गई है। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, जुलाई से हम लोगों को कोई वेतन कोई मानदेय नहीं दिया गया है। सारे काम के काम सब लोग करते जा रहे हैं, जो भी कन्वेंस बन रहा है हम लोगों को नहीं दिया गया है। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, ये आवाज मेरी सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हम आशाओं की बहुत बड़ी विडंबना है पैसे को लेकर के। कोई भी कहना चाहती हूँ, हम आज यहाँ सारी आशाएं उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, हम लोग बहुत दुखी हो गए हैं। पहली बात तो ये आप सबको बताना चाहते हैं कि हम लोगों को सुरक्षित मातृत्व के लिए रखा गया था शुरुआत में, कि शिशु और माताओं का हम लोग का, और हम आशाओं ने ईमानदारी से मेहनत से काफी प्रयास किया, बहुत बढ़िया काम किया। मृत्यु दर या आंकड़े में सरकार भी जानती है कि मृत्यु दर आंकड़े में कम हो गया, हम ही लोग का मेहनत का ये हुआ है। दूसरी बात, जब हम लोग का अब काम बढ़ा दिया गया, एक काम के लिए रखा गया था जो सुरक्षित मातृत्व, उसके बाद जब काम बढ़ा, कोरोना काल आया, आयुष्मान आया, तमाम दुनिया भर का काम आया, तो काम पे काम बढ़ा गया। जैसे दस्तक अभियान, संचारी अभियान, आयुष्मान, कोविड में सर्विलांस ड्यूटी, अगर कोई बाहर से आता था सफर होके कोविड होता था तो हम लोग को डॉक्टर लोग एनक लोग दुबक के घर में बैठती थी, हम लोग को मेडिसिन पहुंचाना पड़ता था। एक एक व्यक्ति को हम लोग कोविड पेशेंट को जाके मेडिसिन पहुंचाते थे, और उसके बावजूद भी आज तक एक रुपया हम लोग को नहीं फ्री में काम। जब हम लोग को काम पे रखा गया था तो दाम क्यों नहीं सरकार दे रही है? जब लोग को काम पे रखेगा, जिस तरह से कोविड काल में डॉक्टर अपने घर में बैठे हुए थे, आप लोग अपनी परिवार की ना परवाह करते हुए आप लोग यहाँ निकल आए हुए थे। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जब हम लोग को काम करवा रही है सरकार, तो दाम क्यों नहीं दे रही है? हमें तो कराना हो सकता था, ऐसा नहीं है।
एमबीएमसी से है लखनऊ। हम लोगों को खाली और कहना चाह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी नहीं जरा सा सुनवाई करती है तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे, सरकार ही बदल देंगे। अभी कितना वेतन दिया जाता है? हम लोगों को कुछ वेतन नहीं, कुछ नहीं है। हम लोगों को भीख दी जाती है, सिर्फ भीख भीख दी जाती है, कोई वेतन नहीं, कुछ भी नहीं। 2017 से हम लोगों का कोई पैसा नहीं आया। कोविड काल में हम लोग जब अधिकारी घर में बैठे थे, हर आदमी घर में बैठा था, तबासा फील्ड में घूम रही थी, उसको आज तक कोई पैसा नहीं दिया गया। हम लोगों को राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 18 से 20 हजार मानदेय किया जाए, नहीं तो हम योगी जी मोदी जी की सरकार ही बदल लेंगे। प्रयागराज से आए हैं हम लोग, दिन रात आंगनबाड़ी इतना काम नहीं करती है, आंगनबाड़ी इतना काम नहीं, उनको किस तनखा दिया जाता है? हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोगों का साथ जिला जिला बिजनौर से अगर मेरी आशा बहनों का आज वेतन नहीं हुआ तो मेरी आशा बहनें इस सरकार को बिल्कुल नहीं आने देंगी, किसी सरकार, क्योंकि दो सरकार को देख ले, तीसरी सरकार की बारी है। अगर मेरी आशा बहनों का दिल में दर्द बहुत है, क्योंकि अपने जान जोखिम में डालकर और आशाओं को दर्द को समझ नहीं है। अगर आज इसे मंच के माध्यम से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उसको भी इन्होंने कोविड काल में आपने काम किया, राज्य कर्मचारी भैया थोड़ा शांत आप ये बताइए, नहीं जब जब जनवरी दिसंबर के महीने आती है, शांत रहिए थोड़ा सा, जनवरी दिसंबर आती है तो रात के ठंड में अपने घर में सोती है बच्चों का, हमको 12 बजे रात डिलोरिया जाते लेको जो क्या हमको जांच में लगती है और बच्चों को पालने के लिए कई आशा बहना शहीद हो गई जून की जब तपती धूप चलती है ना, हम लोगों को डिलोरिया में जो ये महामारी का जो शिकार हुई है सरकार की तरफ से उनको कुछ दिया गया? जो आज का प्रदर्शन चल रहा है मीरा सिंह को उन्होंने इन्होंने यहाँ तक आने तक नहीं दिया, पुलिस प्रशासन ने उठा लिया उन्हें। आज मेरी आशा बहनों के दिल में बहुत दर्द है, उसकी छोटे छोटे बच्चे थे जो आशा मर गई है, जो आशा मर गई है उसका कोई अधिकारी नहीं चल रहा है, लड़ाई नहीं है। ठीक है योगी जी, बस हमारी बात को मान ले, हमारे दर्द को समझे, हम दूर दूर से भटकते हुए आए हैं, रात को दिन नहीं समझते, दिन को रात नहीं समझते, हमारी आशाएं बहने काम करती हैं, हमें उनसे कोई और नहीं है कि वो हमें निराश करेंगे, हमें उम्मीद है कि हमारी बात को वो जरूर समझेंगे, जरूर सुनेंगे और रखेंगे, अगर वो इंसान है तो जरूर सोचेंगे, एक मिनट के लिए रख के देखेंगे अपनी जगह पे कि हम कैसे काम करते हैं। सारा चीज हम कोरोना में करें, कोविड में करें, लेकिन सारा से मिला हमारी आंगनबाड़ियों बहनों को हमें नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि हम काम करें हमने और मिला आंगनबाड़ियों को, हमें कोई बस नहीं, बस हमें यही है हमारे वेतन को बढ़ाया जाए, हमें सरकारी साबित किया जाए, बस एक बात और कहनी है कि अभी जब से ये कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, ये हमारा आपका 2000 ये क्या कहते हैं 16 जनवरी से अपने लखनऊ में सबसे पहले जो है बलरामपुर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, तो 16 जनवरी से हम लोग की ड्यूटी कंटिन्यू लगाई गई है, मॉर्निंग में 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हम लोग की ड्यूटी परमानेंट लगाई जाती थी, हम लोग बराबर ड्यूटी कर रहे हैं, चले आ रहे, आज भी अभी भी कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारा उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया गया है, और जब मैंने ये बात कही गई तो कह रहे अभी ऊपर से बजट नहीं आया, आप पता चल रहा है कि बजट नहीं, मैम कब से सैलरी नहीं दी गई आपको? सैलरी तो हमारे 4 महीने हो गए, 4 महीने सैलरी नहीं दी जाती थी, हम लोगों को ये नहीं पता कि आपसी महीने हमको 3000 मिला, अगले महीने कितना मिलेगा ये नहीं पता हम लोगों को, चाहे बहुत काम कागज कल परसों का हो आज भी वो कर दिया जाता है कि काम आज भी करो, हम लोग भैया
इकोना विलास सारा बस्ती जिले से आए हैं, लेकिन हम लोग सुन लीजिए काम हम लोग कितना चले नट हम लोग कितना काम पड़ता है। रात में अपने घर में अपने घर में काम करती हम घर में चले बेचा रहते हम लोग रात में भी नहीं छुट्टी है। अब बताओ हम लोग क्या करें, रात के 12 बजे और जब घर से बाहर कोई निकलता है हम लोग निकलते हैं, चाहे रास्ते में हम घर छोड़ के आते कोई हमारे बच्चे को मार डाले कोई घर देखने वाला नहीं, लेकिन हम लोग डिलोरी लेकर रात के 12 बजे आते हैं। ये बताइए आप, ये बताइए जब जनवरी दिसंबर में ठंडी पड़ती है कड़के ठंडी सुबह पछला रहा है तब कोहरा धूप चलता है रास्ता नहीं निकल, लेकिन हम लोग आप घर से बाहर निकलते और कोई औरतें निकल कर दिखाते हैं तो हम बताए कोई अफसर की बीवी निकल कर दिखा दे तो हम जहाँ कहे वहाँ हार जाए। चार पैसा के कड़ते धूप मई जून के कड़ते धूप में कोई औरतें अफसर की बाहर निकलती हैं नहीं, हम निकलते हैं और वेतन किसी और को मिलता है काम काबले का हम लोग करते हैं और उसका सर सुनिए मैं टीवी सप्रू प्रयागराज की आशा हूँ सोना देवी सर 2017 से कार्य कर रही हूँ। योगी जी ने जब 17 में चुनाव होने वाला था तो बड़ा सा ऐड निकाले थे कि हम जो है 2017 में आशा बहु जो है कि आशा बहुओं का मानदेय सम्मानजनक देंगे, लेकिन उन्होंने ऐड तो निकाल दिया बड़ा। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ आशा जी, जी। हमारी कोई पेमेंट नहीं है, हम एक सोशल वर्कर के माध्यम से चुने गए हैं या गिने गए हैं या हमें रखा गया है जी। दूसरी बात ये है कि हमें प्रधानमंत्री योजना जो भी शुरुआत की है ये लो कम से कम 15 साल हो गया हम लोग को आशा में काम करते हुए, ना हमें कोई सैलरी दी जाती है, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं उसी तरह से माना जाता है, ना हमें कोई सैलरी दी जाती है ना हमारी कोई मान्य रखा जाता है, चाहे पीएससी हो या जिला स्तर हो या कहीं भी हो हमारा मतलब कोई मान सम्मान में मतलब वृद्धि नहीं है या कोई भी समझो कि ना के बराबर है। हमारी योगी जी से और मुख्यमंत्री जी से सभी हमारे अधिकारियों से ये निवेदन है कि हमारी मांगों को ये लोग पूरा करें जहाँ तक इनकी समर्थन हो या जिस तरह से भी हो। हमारे उत्तर प्रदेश में आशा संगिनी आशा बहने मजदूर संघ को लेकर के अब हम लोग इन लोगों के साथ बोल के अपनी बातों को भाई रखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से। आदित्यनाथ योगी जी मेरठ वो गोरखनाथ मंदिर के बहुत बड़ा ये सांसद भी रहे हैं, अच्छी बात है, काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, लोगों को सम्मानित भी करते हैं, हमें इस बात को बहुत पता है क्योंकि हम उधर से ही रहने वाली हूँ गोरखनाथ बाबा के करते हैं पर आशाओं का इज्जत नहीं करते हैं करने के लिए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि थोड़ा सा हम इन लोगों को भी सपोर्ट करें। जिस तरह से आप लोगों ने कोविड काल में अपने परिवार की ना फिक्र करके जिस तरह से काम किया तो कोई सुविधा दी गई क्योंकि आप लोग अपना पूरा परिवार छोड़ के आई थी, कई लोगों ने कोविड काल में मतलब कोविड काल में कुछ भी नहीं दिया गया, आशा बहु कोविड काल का शिकार भी हुई। हमें कोरोना काल में हम गए भी हैं, बताए भी हैं, कहे भी हैं, लेकिन हमारी एक भी बात सुनवाई नहीं हुई। कोरोना काल में हमने पूरा काम करा और हमें विदाउट सेफ्टी किट दिए, हम बिना हमारे से काम करवाया गया। कोविड काल में आपने काम किया तो कोई सेफ्टी नहीं दी, हमें ना मास्क मिला ना सैनिटाइजर मिला, हमें पेमेंट रोक दी गई है, हमारी पेमेंट एक भी नहीं आई है। पिछली भी 2021-2020 की भी पेमेंट कोई नहीं आई है, ना आरआई की आई है, ना आईएमआई की आई है, ना मिजल्स की आई है, ना एचबीएनसी की आई है, बस सिर्फ रूटीन एक्टिविटीज की काम के ऊपर का पैसा दिया गया है, बाकी हम लोग का मेहनत का पैसा सारे उत्तर प्रदेश में मार दिया गया है। तो हमें कोरोना काल में सारी आंगनबाड़ी अंदर रही कमरे के अंदर, अपने बच्चों को अपने पति को अपने घर परिवार को देखी, लेकिन सारी आशा संगनी सारी आशा बहने हमारी सारी बहने वहां जा करके काम की हैं और आज तक भी कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला है योगी जी से। इसलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारी कहना है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम लोगों ने अलीगंज एमसी से हम बोल रहे हैं, लखनऊ से नहीं मिला राशन पानी की जिम्मेदारी सभा सदस्य को उसने नहीं दिया, तो हम अपने घर से राशन पानी फल फ्रूट लेकर गए
और किसी ने हाल नहीं लिया हम लोगों का। कोविड पॉजिटिव हो गए किसी ने ये नहीं कहा, और ये भी कहा गया कि डीएम आ रहे हैं फट से ड्यूटी पे आओ, हम कोविड पॉजिटिव है फट से ड्यूटी पे चले जाएं। ये बता मैं कुछ नहीं, बस हमें सरकार से यही अनुरोध है कि उनके तक ये बात पहुंचाई जाए ताकि हम आशा बहुएं कितने काम करती हैं और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें और हमारी मांगे पूरी करें। हमें और उनसे कोई शिकायत नहीं, कोई गिलवा नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी समझते हैं कि हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं। हम लोग का कोई टाइम नहीं है, हम लोग का कोई टाइम नहीं। आशा 24 घंटे काम करती है और 300 दिन काम करती है। रात में 2 बज रहा पेशेंट कॉल कर दे रहा तो हम बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, चाहे पाथर पड़े चाहे बारिश पड़े, लेकिन हमें डिलीवरी करवाने जाना है तो जाना है, चाहे हम खाना खाएं चाहे आगे की थाली फेंक के जाए। आधी आधी रात के बाद हम लोगों को बहुत ज्यादा बच्चा प्रेगनेंट है, हम लोगों को रेफर कर दिया गया, हमारी बीएमसी में रेफर कर दिया गया, फिर हम प्राइवेट सीजर अपना का काम ये है बीएमसी का और बीएससी का स्वास्थ्य विभाग का ये अधिकारियों का रवैया खुद आशा को कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है कि अगर खुद प्रेगनेंट है तो उसको इलाज चाहिए। हमको भी नहीं मिला कि 75 रुपए में हम लोग को काम कराया जाता है, बताइए 75 रुपए में कौन काम करता है? हम लोग को मजदूर बनाकर काम कराया जाता है, 200 रुपए में काम कराया जाता है। कोरोना काल में जब पेशेंट के घर जाकर हम लोग दवाई का वितरण करते थे उसके उपलक्ष्य में भी हम लोग कोई सेफ्टी किट नहीं दी, हम लोग पेशेंट के घर जाकर दवाई देना पड़ता है हम लोगों को, जो की रात में 1-2 बजे जितने बजे हम लोग को जाना पड़ता है जाते हैं, जाना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी सभी राष्ट्रीय प्रोग्राम चलते हैं वो हमारे तहत नहीं दे रही है, बताइए। सिर्फ सिर्फ आप लोगों से काम लिया जा रहा है और कोई ना सुविधा दी जा रही है ना समय सीमित है। भैया हमने प्रयागराज सियासी चाका से बोल रहे हैं, मेरा नाम आशा देवी संगनी है, ठीक है। केवल वो लोग मैसेज करते हैं, काम तो हम करते हैं, मैसेज करने में कोई टाइम नहीं लगता पर काम करने में टाइम लगता है। सारे दिन मेरे यहाँ कोई मेरे उसका समय का निर्धारित नहीं है, 24 घंटा मैंने काम करती हूँ। हमारा पेमेंट आजकल 5,000 में हमारे बच्चों खाएंगे, 6,000 बच्चे हमारे खाएंगे, 2,000 केवल 2,000 आशाओं का ही पेमेंट है, उसके बाद संगनी का केवल 6,500 रुपया में कोई खाएगा नहीं, कोई प्रोत्साहन राशि है। हम ये जानते हैं कि हमको सरकारी राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उसके बाद हमको 20,000 पेमेंट बनाया जाए तब तो आशाएं काम करेंगे। आशाओं बहन नहीं नहीं कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता हमको। अगर मजदूरी करेंगे तब भी हमारे काम का कोई दाम नहीं है, हमारे काम का कोई टाइम नहीं है। हम लोगों को एनी टाइम चाहे वो रात का 12 बजे हो चाहे दिन का 1 बजे हो, 1 मिनट अगर हमारे पास फोन आता है तो हमको जाना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट हो उसके लिए भी 4-6 घंटे का टाइम है, लेकिन हम लोगों को तो हम बोलते हैं कोई निर्धारित नहीं, हम बोलते हैं कि हम लोगों का टाइम भूतों से भी बेकार, अगर एक भूत भी निकलता होगा तो उसका 1-2 घंटे का टाइम होगा, हम लोग उससे भी बेकार है ना, तो गर्मी ना ठंडी। धमकियां दिया जाता है कि इनको निकाल दिया जाएगा, हम लोग को धमकियां दिया जाता है ब्लॉकों से कि ये लोग काम नहीं करेंगे इन लोग को निकाल दिया जाएगा। आज भी हम लोगों को धमकी दी, आज भी मैंने बहुत रिस्क लेकर के अपने ब्लॉक से निकली हूं। हम लोगों को सम्मान की नजर से देखा नहीं जा रहा, अगर हम खाना खाने बैठ जाते तभी छोड़ कर खाना हमको उठ के जाना पड़ता डिलीवरी देखने के लिए, लेकिन प्रोत्साहन राशि हमें दी जाती है वो भी टाइम से नहीं मिल रही है, 6-6 महीने बाद भी नहीं मिल रही है।